देखिए आज हम जा रहे हैं बहुत अच्छा पजल सॉल्व करने के लिए, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। वो एक फादर हैं, उनके 3 सन है, कितने बच्चे हैं उनके? 3। और उनके पास गाय कितनी है? 1, 2, 3, 4, 9 काउ है, 9 गाय है। तो अपने फादर को क्या करना है, अपने 3 सन को बराबर बराबर गाय भी बांटना है, बराबर बराबर दूध भी। ओके, तो देखिए एक टोटल नंबर, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना होगा प्रोड्यूस, तो हमको पता है n(n+1/2) के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम का फॉर्मूला। तो यहाँ पे 9 × 9+1 (10/2) कितना होगा? 45 लीटर टोटल मिल्क होगा। तो एक चाइल्ड को कितना मिल्क आएगा? 1 सन को 45 / 3, तो 50 लीटर मिल्क हर लड़के को मिलेगा, हर भाई को। तो हमें क्या करना है कि एक नंबर की जो गाय है, गाय पे नंबर पड़ा है, एक नंबर की जो गाय है वो 1 लीटर मिल्क देता है, 2 नंबर की गाय 2 लीटर, ऐसे ही 9 नंबर की गाय क्या है? 9 लीटर मिल्क देगा। ओके, तो हमें क्या करना है, बराबर बराबर नंबर ऑफ काउ भी हमको मिलना चाहिए, बराबर नंबर ऑफ मिल्क भी। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे पजल, हमें इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग छोटा सा चार्ट बनाने जा रहे हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डायगोनली इसको कट कर लेंगे, ऐसे फिर ऐसे कट कर दीजिए। और देखिए ये 7 है, इसको ये लास्ट यहाँ पे लिख दीजिए, ये 3 को यहाँ लिख दीजिए। ओके, 9 को यहाँ, 1 को इसी कॉलम में यहाँ। अब देखिए ये हम लोग का फाइनल चार्ट बन गया, आप इसको चाहें तो ऐसे लिख लीजिए यहाँ पे 4, 9, 2, 3, 5, 7, 8, 1, 6, ये फाइनल चार्ट। अब किधर से भी देखिए ऐड करिए 9, 4, 13 + 2, 15, 2, 7, 9, 6, 15, 6, 1, 7, 8, 15, 1, 5, 6, 9, 15, तो 15 लीटर देखिए मिल गया ईच। तो किसी भी सन को कोई भी एक रो या एक कॉलम ऐसे बराबर तीनों में बांटा जा सकता है, तो उसको बराबर मिल्क भी मिलेगा, नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मिल्क भी और नंबर ऑफ काउ भी। तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग पजल है, लेकिन इसको आप कठिन क्रम बनाना चाहें तो हम क्या करते हैं कि 25 सन है एक फादर के अगर, तो उसके कितने, उसके पास कितने गाय हैं काऊ, तो 1, 2, 3, 6, 25, 6 से 25 काऊ है। तो अब आप बताइए कि किस नंबर के काऊ किस के 25 लड़कों को कैसे कैसे बटिएगा, तो ऐसे ही बनेगा 25 काऊ, 6 से 25 गाय में से 25-25 काऊ मिलेगा, 25 का जो मिल्क के अमाउंट होगी वो भी बराबर। तो आप अपने लिए ट्राई करके देखिए। ओके, होप आप लोग को अच्छा लगा। थैंक यू।